तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने वाले दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने राइट साइड कॉर्नर पे 3 लाइंस पड़ी हुई मिलेगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने वाले दोस्तों, यहाँ पे अपनी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। अकाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया ऑप्शन शो होएगा जो है, यहाँ पे स्क्रॉल करके डाउन आएंगे, और यहाँ पे शेयरिंग टू अदर ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका जो है, यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक से जो लिंक है, इसे हम आप अनलिंक करने के लिए इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने एक नया पेज शो होएगा, और यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करते दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट आपका जो है लिंक जहाँ से यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप अकाउंट सेंटर में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको अकाउंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी लिंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है रिमूव के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपको रिमूव अकाउंट लिख के आ जाएगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से रिमूव राजकुमार राज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका अकाउंट जो यहाँ से यू रिमूव राजकुमार राज, ओके, इस तरह से लिख के आपको आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, जरूर करें दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।